हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं लास्ट डे रिवीजन प्लान या लास्ट डे रिवीजन शेड्यूल फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से पहले जो हमें एक दिन छुट्टी मिलती है उसके अंदर हम अपना बिजनेस लॉ और बीसीआर का 100% सिलेबस कैसे रिवाइज करके जाएं। जनरली जो सीए एग्जाम्स में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये होता है कि हर एग्जाम में हमें एक छुट्टी मिलती है और थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज्यादातर हमें आखिरी में उस एक दिन के अंदर सारा सिलेबस रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जनरली पाया यह गया है कि जो टॉपिक्स हम लोग आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है उसके क्वेश्चन हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तैयारी करी है, लेकिन वो क्वेश्चन अप टू द मार्क अटेम्प्ट नहीं हो पाते। खासकर लॉ के जैसे पेपर में तो वहाँ सेक्शन नंबर, उसके केस लॉज वो मेंशन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली एग्जामिनर मार्क्स कम डाल देता है और अल्टीमेटली स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है क्योंकि वो लास्ट दिन पेपर को रिवाइज, पेपर से एक दिन पहले प्रॉपर ढंग से उस टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक रिकमेंडेटरी प्लान शेयर कर रहा हूं, जहां आप लोग अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं तो बहुत आप इजीली जो आपको वन डे यानी कि वन डे या वन एंड हाफ डे कह सकते हैं, जब आप अकाउंट्स का पेपर दे के आएंगे उसके बाद भी आपके पास आधा, उसके बाद भी शाम को आपके पास 6-7 घंटे होते हैं तैयारी करने के, तो वन एंड हाफ डे के अंदर आप लोग कैसे अपना पेपर या जो बिजनेस लॉ का एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस 100% रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखें एक बार शेड्यूल को। 24 जुलाई को आपका अकाउंट्स का एग्जाम है। आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम 2 to 5 o'clock होता है तो 6 मैक्सिमम 6:30 तक अपने घर पहुँच जाएंगे। घंटा एक आप लोग अपना ब्रेक लेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे वगैरह, उसके बाद आप लोग 7:30 से तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर दे के आते हैं उस दिन जो शाम के 5-6 घंटे बचते हैं पढ़ाई सिलेबस करने के, इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर उठा के बैठे रहते हैं, बुक्स में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं, फैकल्टीज को फ़ोन कर रहे हैं। माइंड यू, ये सब बेकार के एफर्ट्स हैं। अब आप पेपर दे आए, उस पेपर का आप कुछ नहीं कर सकते। ये टाइम वेस्ट करके आप 5 या 6 घंटे वेस्ट करके जो आप अपना बिजनेस लॉ का एग्जाम है उसको भी खराब कर देते हैं। तो आप 7:30 तक मैक्सिमम तैयारी करने बैठ जाइए। शेड्यूल क्या दे रहा हूं मैं आपको कि इस दिन आपको दो काम करने हैं। पहले आप कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे क्योंकि बिल्कुल छोटा एक्ट है, लिमिटेड सिलेबस है और पेपर के अंदर अराउंड 13 to 14 marks का आता है। 3 घंटे के अंदर कंपनी एक्ट पूरा रिवाइज किया जा सकता है। कैसे रिवाइज करना है, मेरा जो मैराथन वीडियो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें 1.5 घंटे का वीडियो है आपका कंपनी एक्ट का। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देख लिया होगा, हम लोगों ने जो रिवीजन शेड्यूल बनाया था उसमें हम लोगों ने मैराथन पूरा कवर किया है। तो आप 1.5 घंटे का वो वीडियो दोबारा देखेंगे। अगर आप 1.5, 1.25 या 1.75 तक देखना चाहें तो ये टाइम और कम हो जाएगा, लगभग 1 घंटे में आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी नॉर्मल स्पीड पर देखेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद भी वैसे तो आपका 70-80% लॉ इस वीडियो को देख के ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी आपको 1.5 घंटा और दिया, उसके अंदर आप लोग खुद पढ़ें, अपने नोट्स में कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई लैंग्वेज पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो किया है तो उसके अंदर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा होगा कि सर ये क्वेश्चन अच्छा है था, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था, तो वो क्वेश्चन भी एक बार दोबारा पढ़ लें। विद दिस यू विल बी डन विद कंपनीज एक्ट। पूरे 3 घंटे में आपका कंपनी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अराउंड 10:30 या 11 बजे तक ही कंप्लीट कर देंगे। अभी सोना नहीं है सर, अब इस समय थोड़ा ना पढ़ाई होगी, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप जो पार्टनरशिप एक्ट की वीडियो है यानी कि उसी के अंदर मैराथन के अंदर अगला 1.5 घंटा वो आप वीडियो देख लीजिए, सिर्फ वो वीडियो आपके दिमाग में चला जाएगा, कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद सो जाइए। ऐसे स्टूडेंट जो रात को पढ़ना पसंद नहीं करते, सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, शेड्यूल मैंने उनके हिसाब से बनाया है। अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो आप कंपैरेटिवली जो सुबह का 2 घंटे का काम है वो रात को कर सकते हैं। जैसे मैंने अगला दिन शुरू किया 7:30 बजे, तो आप कोशिश करिए अगर आप रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उस तरह हैं तो ये 7:30 से 9:30 वाला काम आप रात को कंप्लीट करके सो सकते हैं। तो आपने सेकंड काम क्या करना है, पार्टनरशिप की वीडियो देखनी है 1.5 घंटे की, उसके बाद आप सो सकते हैं। वो स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह के टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, तो 7:30 नेक्स्ट डे आप उठ जाएंगे, 7:30 तक मतलब पढ़ने बैठ जाएंगे। अगर आप 7 o'clock तक भी उठते हैं तो आधे घंटे में फ्रेश हो गए आप, 7:30 तक पढ़ने बैठ सकते हैं। पहले 2 घंटे 7:30 to 9:30 रात को वीडियो आपने देख ली थी, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, सुबह 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दीजिए, वो टॉपिक अपने नोट्स में से, बुक में से, क्वेश्चन बैंक में से कंप्लीट कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी मुझे रात को याद सुनी हुई वीडियो बहुत ज्यादा नींद में सुनी थी, कुछ याद नहीं है, तो मैंने एक पार्टनरशिप का सुपर फास्ट मैराथन,
सिर्फ 30 मिनट्स में, जहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट स्पीड में रिवाइज किए हैं वो भी डाल रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ऑप्शनल है ये। सवेरे अगर आप ढाई घंटा खुद पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ें, अदरवाइज ये 30 मिनट का फास्ट ट्रैक वीडियो सबकी डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, ये यूज कर सकते हैं। तो हमारा पार्टनरशिप एड कंप्लीट हो गया, फिर हम ब्रेक लेंगे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जो भी आपको फ्रेश होना है वो होगा। डेढ़ घंटे का मैंने आपको ब्रेक दिया है, आप चाहें तो आधा एक घंटा सो भी सकते हैं इसके अंदर अगर आप थक गए हो पढ़ के, तो आप 11 o'clock अगला एक्ट शुरू करेंगे। 11 से 1:30 2.5 hours हम LLP को देंगे, LLP का भी अगेन हम रिवीजन वीडियो देंगे। LLP का अगर आप रिवीजन वीडियो देखेंगे तो बेटा बहुत ही कंप्रेसिव रिवीजन वीडियो है, अपने आप में फुल फ्लेज है, कुछ नहीं बचेगा उसको करने के बाद। 1.5 hour का लगभग वो वीडियो है, उसके बाद मैंने 1 hour फिर भी सेल्फ स्टडी के लिए दिया, जहां आप क्वेश्चन वगैरह कवर करेंगे। इसके अगर आप मेरे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन भी कर जाएंगे सिर्फ, तो ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होता है, क्योंकि एक्ट बहुत छोटा है, नया क्वेश्चन कुछ बनता नहीं। तो वीडियो अलॉन्ग विद 1 hour ऑफ स्टडी, 1.5 आपका 2.5 hours के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2:30 बजे तक हमारा LLP एक्ट कंप्लीट हो गया, हमने कंपनी पूरा कर लिया, पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया और LLP कंप्लीट कर लिया 2:30 बजे तक। ये हम 25 जुलाई की बात कर रहे हैं, फिर आप ब्रेक ले सकते हैं, लंच कीजिए, चाहे तो आधा एक घंटा रेस्ट कर लीजिए, हल्का हल्का छोटा सा नैप ले लीजिए। 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 2:30 से लेके 5:30 तक 3 hours का पूरा हमारे पास ये शेड्यूल रहेगा। अगेन इसमें 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, 2 parts में वीडियो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, ये मैराथन का पार्ट नहीं है, ये अलग से वीडियो दी गई है, 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सेल्स ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस अलग से। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 2 वीडियो है, इसमें अनपेड सेलर का टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया, अराउंड 1 घंटे में पूरा टॉपिक एक तरह से नए सिरे से पढ़ाया है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो 1.5 घंटे का वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। अगेन वही अपने जो स्टडी मटेरियल है आपका, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, मेरा मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, क्लास नोट्स, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से इसको करेंगे। रिविजन चार्ट मैंने आपको दिए हुए, वो बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का, रिविजन चार्ट को फॉलो करना, साथ में क्वेश्चन बैंक पक्का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से रीड करके जाएंगे। फिर 5:30 बजे आप आराम से ब्रेक लेंगे, अपना टी वगैरह लेंगे। 6 बजे से हम अपना लास्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में करें, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, कंपैरेटिवली वेटेज उतनी नहीं आती। तो पहले हमने सारे एक्ट कंप्लीट कर लिए, जहां से मार्क्स आते हैं, जहां से आप कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अब शाम को 6 बजे आप कॉन्ट्रैक्ट उठा के बैठेंगे। अगेन इसका बेस्ट तरीका रिवाइज करने का बेटा वीडियोस, 2.5 घंटे की वीडियोस हैं, 2.5 घंटे का एक तरह से मैंने कंटेंट दिया है, 7 या 8 पार्ट हैं, सारे चैप्टर बहुत डिटेल में रिवाइज कराए गए, सेक्शन नंबर केस लॉ के साथ, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स याद करने की भी एक वीडियो उसके अंदर डाली हुई है। तो वो सब करेंगे 2.5 घंटे तक, ऑलमोस्ट 8:30 बजे के आसपास आपकी वीडियोस खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप डिनर करिए, अराउंड 9 बजे तक दोबारा बैठ जाइए और 3 घंटे 3.5 घंटे 3.5 घंटे जब तक भी आप रात तक जाग सकते हैं, 12:30 तक सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आपने वीडियोस देख लिया, एक बार चैप्टर्स चार्ट में से गो थ्रू कर लीजिए, बेस्ट तरीका है, बड़ी जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो उसके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन बैंक में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक बार आप साथ साथ रीड करते जाइएगा। तो रात को 12:15 तक 12:30 तक आप कॉन्ट्रैक्टेड कंप्लीट करके सो सकते हैं। हो सकता है बेटा फिर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रह जाए, मैं एक ऑप्शन छोड़कर चल रहा हूं, तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग जिस दिन एग्जाम है तब भी 2 बजे एग्जाम होता है, लगभग 12:30 तक हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो 7:30 to 8:30 अगेन ये उन बच्चों के लिए जल्दी उठते हैं, वरना यही काम आप रात को करके सोएंगे, आप 1 घंटा सवेरे कॉन्ट्रैक्टेड को और दे सकते हैं, ऑप्शनल है, जिसका हो गया हो कंप्लीट रात को ही पूरा वो ना दे, अदरवाइज आप 1 घंटा सुबह कॉन्ट्रैक्टेड को दोबारा सेल्फ स्टडी के लिए ऑप्शनल रख सकते हैं, कि मेरे पास सुबह भी 1 घंटे का टाइम है तो 2-1 चैप्टर यहां पर भी सेल्फ स्टडी से रीड किए जा सकते हैं। वीडियो वगैरह तो आप देख ही चुके होंगे तो याद तो है ही कंसेप्ट, सिर्फ वो आपको एक बार सिर्फ अपने बुक्स से या नोट से गो थ्रू करना होगा। उसके बाद 8:30 से लेके बेटा 12:30 4 घंटे आपको BCR को देने हैं पेपर वाले दिन सुबह, ये बहुत जरूरी है। आप अगर BCR की रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा BCR इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पासिंग द एग्जाम। मैं लॉ पढ़ाता हूं, स्टिल मैं आपको ये कहता हूं बेटा BCR बहुत जरूरी है, BCR के बिना आपका लॉ का एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाता है, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। ज्यादातर बच्चे जो है वो 35-36 मार्क्स में रुक जाते हैं लॉ में, इससे ज्यादा वो नहीं स्कोर कर पाते, तो अराउंड 10-15 मार्क्स आपको BCR से चाहिए होते हैं, और उसको लेना कोई खास मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है। BCR में एक थ्योरी का चैप्टर है स्टार्टिंग में, कम्युनिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर के अंदर अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन उसके से अंदर आते हैं, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बुक वाले आंसर लिखने होते हैं। 1 घंटा सुबह बहुत अच्छे से उस चैप्टर को याद कीजिएगा, उन पॉइंट्स को याद कीजिएगा। अगर आपने अभी भी वो चैप्टर तैयार नहीं किया हुआ तो वो चैप्टर को टाइम देके पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए बेटा, वो 6 से 7 मार्क्स या 6 मार्क्स तो मिनिमम बना के ही जाता है पेपर के अंदर, और 6 मार्क्स कम नहीं होते लॉ के एग्जाम में। तो 8:30 to 9:30 सुबह आप 1 घंटा उस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे,
उसके बाद 9:30 to 12:30 आपके पास 3 घंटे हैं, इसमें आप BCR के सारे फॉर्मेट्स वगैरह, सारे जो हमने लेटर वगैरह, लेटर, ईमेल राइटिंग, उन सब के फॉर्मेट्स वगैरह एक बार रिवाइज कर लेंगे। वैसे 3 घंटे ज्यादा है, आप चाहें तो जो कम्युनिकेशन थ्योरी चैप्टर उसको थोड़ा और टाइम भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको अगर ये फॉर्मेट्स वगैरह क्लियर है। यहां पर आपके पास एक ऑप्शनल चांस है बेटा, यहां पर हमने जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं BCR के, उनका एक रिवीजन वीडियो बना दिया है मैराथन के फॉर्म में, आप चाहें तो ये रिवीजन वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। अगेन इस BCR के मैराथन का रिवीजन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑप्शनल है, आप चाहें अगर आप अपने जो फॉर्मेट्स हैं खुद रिवाइज करना चाहें खुद कीजिए, अगर आपको लगता है कि उस समय टीचर की हेल्प की जरूरत है तो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में 15-15 मिनट में सिर्फ उनके जो कहते हैं ना फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है लेटर वगैरह लिखते समय, ईमेल लिखते समय, रिज्यूमे लिखते समय, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर्ड है, तो आप ये देख सकते हैं। तो 12:30 तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑन द वे, अक्सर बेटा आपके जो मेट्रो सिटीज वगैरह है वहां पर बच्चों को सेंटर पे पहुंचने में रस्ते में आधा पौना घंटा लग जाता है, तो उस आधे पौने घंटे का यूज कैसे करना है? अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, तो कैसे यूज करें? कोशिश करें कोई छोड़ आए आपको, ताकि आप उस टाइम को यूज करें, आप खुद ड्राइव ना करें। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आपने जो सारा सिलेबस पढ़ा साथ साथ बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शंस की और केस लॉ की एक लिस्ट बनाते जाइएगा, ताकि पेपर वाले दिन सुबह सुबह आप सिर्फ पेपर में जाने से 1 घंटा पहले उन केस लॉ के नाम और सेक्शन नंबर्स फटाफट रिवाइज करते रहे। इससे क्या होगा, पेपर में जब वो सेक्शन नंबर आएगा, वो केस लॉ आएगा, वो भूलेगा नहीं। जल्दी बच्चा क्या करता है कि एक दिन पहले पढ़ा होता है उस दिन में तो केस लॉ सेक्शन नंबर याद होता है, लेकिन पेपर में भूल जाता है। तो उसका तरीका क्या है, आप सेक्शन और केस नंबर एक कागज पे उतार लीजिए और उसको जब आप सेंटर पे जा रहे हो या इवन सेंटर के बाहर पहुंच के 15-20 मिनट जब तक आप लोगों की एंट्री वगैरह नहीं होती, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन जो है ये आपको केस लॉ और सेक्शन नंबर पेपर में पहुंचाने में हेल्प करेगी। तो दिस वाज द एंटायर थिंग जो मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज का याद रखिएगा, अगेन ये शेड्यूल रिकमेंडरी है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड बात बेटा, अगर किसी वजह से आप किसी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे उस टाइम लिमिट में, तो ऐसा नहीं है फिर आप उसको लेके बैठे रहे, उसको छोड़ दें। आखिरी दिन अगर टाइम बचता है सुबह, जैसे 7:30 से 8:30 आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम नहीं है, तो उस दिन कर लें, उस समय कर लें, ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है BCR, तो आधा घंटा यहां पुश दे दें, लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो करते रहें। ये ना हो आप एक पर्टिकुलर एक्ट पे अटक जाएं और आगे सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, तो इस शेड्यूल को बहुत रिलीजियसली फॉलो करिए कि अगर नहीं भी हो पाता तो आप क्या करें। मान लीजिए बेटा आपका यहां पर एक चैप्टर नहीं हो पाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ऐसा नहीं है उसको पूरा छोड़ दें, उसका सिर्फ इतना कर लें कि क्वेश्चन बैंक में से उसके जो 5-7 क्वेश्चन लगे हुए हैं वो क्वेश्चंस रीड कर जाएं। इट इज बेटर टू रीड द क्वेश्चंस, क्योंकि 80% चांस है वो क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ पूरा छोड़ने के, किसी भी ये सारे एक्ट पे अप्लाई करता है कि उसको पूरा छोड़ने के बजाय बेटर ये है कि उसके क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन करके चले जाएं। अदरवाइज वैसे इस शेड्यूल में कुछ छूटेगा नहीं, इसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन चार्ट्स का पूरा यूज करें, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन चार्ट्स बनाए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद ज्यादातर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेक्शन की अच्छी खासी लैंग्वेज वहां लिखी हुई है। तो आप इन वीडियोस के साथ साथ अगर वो चार्ट्स फॉलो करते रहते हैं अपने जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें, बहुत अच्छे से आपका एक्ट रिवाइज हो जाएगा। 100% कोर्स रिवाइज करके जाइएगा, जब तक बहुत मजबूरी ना हो कि हो ही नहीं पा रहा तो आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चंस करके जाइएगा। अदरवाइज इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये मेरी तरफ से लास्ट डे का रिवीजन शेड्यूल था, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो डू गिव इट अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज लेट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।